घर से निकलते। नाइन्थ को पाक भारत टाकरा, वो दंगल, वो जोश, वो वलवला, जश्न के लिए तैयार हो जो एक बहुत हैवी गेम होने वाली है। क्लियर है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। कुछ दूर चलते। जब जीत के आप इतना गरीब हो कि आपने खाने की रात की बुकिंग करा ली हो, आपने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली हो, फिर आप किस तरह हार सकते हैं? एक्चुअली बहुत अफसोस है, मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है। ये मैच हमारे हाथों में था, ऐसे बाय बाय खत्म, बाय बाय। $3,000 का ट्रैक्टर बेच के ये पाकिस्तान से इधर है और इनकी आप हालत चेक करें। ये आर्मी ने ट्रेनिंग की है, इनको कॉमन सेंस नहीं है, ये 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर सकते, बड़े शर्म की बात हमारे लिए। हार्ट अटैक हुआ था तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी वही हाल किया जसप्रीत बुमराह ने कि पहले ऐसे 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 और फिर फ्लैट लाइन। क्या इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? छोटे से होते थे, अब इतने हो गए हैं। हिटलर ने जैसे किया था, इनको खड़े हो गए, इन सारों को गोली मार दो, इनको मार दो। हम देखते इंडिया और पाकिस्तान का शौक से मैच है, शौक से बहुत सब, लेकिन इनको तेजाब में फेंकना चाहिए एयरपोर्ट पे। ये तो होगा क्योंकि मैच जीतने वाला था, और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। टाटा गुड बाय, गया नहीं, मार दो इनको, पाकिस्तान को मारेंगे, टीम को और नहीं तो क्या। शॉकिंग, सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, बट आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू लूज दिस गेम। हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो बोलते हैं ये गद्दार हैं, ये मुल्क के खिलाफ बोलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूँ और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग, तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? नसीम शाह रोते हुए गए हैं। इंडिया 120 पे आउट हुआ, मैं खुश था। हाँ। कि यार इसने मेरे पाकिस्तान को मौका दिया। अबे 120 रन की औकात नहीं है। हाँ। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बतवा दे रहा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हमारी फिजा खलीफा हमेशा शेर और शायरियत सुनाती रहती है। आज मैं फिजा खलीफा और पूरे पाकिस्तान को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। इरशाद, इरशाद। न तीर से न तलवार से, आहा आहा, न तीर से न तलवार से, इरशाद, इरशाद। हिंदुस्तानियों को मजा आता है पाकिस्तान की हार से। क्यों भाई पोर्गियो? सुजी सुजी हलवा पकाए। ये रोते हुए पाकिस्तान की रिपोर्टर, पाकिस्तान की मीडिया के पूर्व जर्नलिस्ट रोते हुए ना कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये तो चलो आनंद की बात हो गई, अब बात की जाए मैच की, तो मैच में पिच बड़ा खतरनाक पिच था भाई। 120 रन भी पाकिस्तान टीम नहीं बना पाई। इसमें मैं सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को दूंगा तो बुमराह को दूंगा, बूम बूम बुमराह। और एक पाकिस्तानी लड़की ने तो पहले ही कह दिया था कि बूम बूम बुमराह पाकिस्तान को करेगा गुमराह। बुमराह पाकिस्तान की टीम को कर देगा गुमराह। और उसने गुमराह कर भी दिया, और जैसा कि उम्मीद थी कि पाकिस्तान को एक बार फिर पटक के पटक के पटक के अब आ गए आप समझ जाओ। तो पाकिस्तान की बैंड बजा दी भारतीय टीम ने, भारतीय टीम ने ऐसे मैच को जीता जिसकी उम्मीद ना तो हिंदुस्तानियों को थी ना पाकिस्तानियों की थी। स्टेडियम में जो भी लोग मैच देख रहे थे, जब पाकिस्तान बैटिंग करने उतरी तो लास्ट 6-7 ओवर तक तो स्टेडियम से हिंदुस्तानी मायूस होकर जाने भी लगे थे। और इवन मैं खुद बताऊं तो मैंने खुद ने टीवी बंद कर दिया था, मेरे को भी होपलेस हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा थोड़ी देर टीवी बंद करूं तो हो सकता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि मैं मेरी टीम को पिटते हुए हारते हुए देखना पसंद नहीं करता हूं। हो सकता है आप में से भी मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग हो। खैर आज मैं अपनी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इन पाकिस्तानियों के रोते हुए चेहरे जो कि आप देखने आए। तो बिना देर किए चलते पाकिस्तान। वो इंजरी के बाद वापस आए हैं, वो परफॉर्म करके वहां से निकल के जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं। आपको अपने ही प्लेस पे तरस नहीं आ रहा? नहीं। वजीर आजम पाकिस्तान नु करना चाहिदा कि इन्हां नु बैन कर दियो। क्रिकेट खत्म कर
क्रिकेट बिल्कुल खत्म, बैन, पैसा लगना ही नहीं चाहिए, इन्हां दे पैसा लाना हराम है। इसलिए नहीं, ये हट राम है, बिल्कुल हट राम है। 119 स्कोर, हर बंदा 119 स्कोर, ये नहीं बन सके आपसे, क्या लेने के है? यूके मैं जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक हो गया। बड़ी तो जो क्या बात है, ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान टीम की, वो भी कहा जा रहा था बड़ी जबरदस्त। पूरी आवाम मसल्ले लगा के बैठी है इनकी खातर, तो ये ब्रीफ केस भरने के लिए लगे हुए हैं, लानता है ऐसी टीम पर। सारे प्लेयर ही नहीं है, ये सब पैसे के लिए खेलते हैं। अच्छा, ये नहीं प्रमिस कर सकते, 120 रन चेंज नहीं हुआ, 45-45 रख तनख्वाह, ये 10 रुपए के काबिल नहीं है। सर पाकिस्तान आज बहुत बुरे तरीके से इंडिया से हार गया, 120 स्कोर ही चेंज कर पाया। यार ये जो की टीम है, जो की इनको भाई ये लोग यहाँ पे आएंगे ना, इनको यहाँ पे गंदे अंडे मारो, इनको नंगा करो, इनको छितर मारो, इसरो की टीम है यार ये। ये ऐसा मुकाबला है कि जो के आपको या बनाता है या बिगाड़ता है, और हीरो बनने का चांस था, मगर कहीं से ऐसे नहीं दिखा कि कोई इतना बेताब है कि वो हीरो बनेगा। बहुत ही फजूल परफॉर्मेंस, यूजलेस परफॉर्मेंस, थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। यार इतनी बुरी बैटिंग यार, अच्छी बॉलिंग करके तुम आप बुरी बैटिंग करते यार हार गए यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। इनको चाहिए, इनको ना बीच बाजार में इनको चपेड़े मारो यार। ये बाबर क्या कर रहा था यार, 13 पे आउट हो गया भाई, क्या सोच के आया था यार, डर डर के खेल रहे हैं। हमारी बार तो बॉल भी नहीं था स्विंग हो रहा था यार, बॉल तो थे वो तो उनकी बार बॉल था स्विंग हो रहा था, इतना बॉल भी नहीं स्विंग हो रहा, फिर भी हम लोग डर डर के शॉर्ट बॉल से, शॉर्ट बॉल पे हम लोग यार बैंडेजेस बांधी हुई है। हर फील्डर ने 10-10 गज बैंडेज बांध के और फील्डिंग कर रहे हैं, इतने सॉफ्ट। यानी कि ये मुकाबला है भारत से कि जहां पे जान लड़ जानी चाहिए, क्योंकि फैंस आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, मगर बहुत फर्क डाल दिया भारत ने। अब मैच के हिसाब से हमने दिहाड़ी तोड़ दी कि मैच देखना है, हमने लगान थी हमें पाकिस्तान के, इन्होंने कख भी नहीं किया, ये लानत के काबिल है, लानत के काबिल। और एक तरफ वो टीम है जिसका कोई मयार ही नहीं है, किसी से भी हार जाती है, मगर ठीक है आप अमेरिका से हार गए और इंडिया के खिलाफ ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे इनसे बड़ा चीता कोई नहीं है। हालांकि लैप्सेस है इसके अंदर, कई 15-20 रन जो आपने ज्यादा दिए वो आप फील्डिंग और दीगर चीजों की वजह से दिए, मगर क्या कि जो ये जो क्रिकेट पाकिस्तानी देख रहा है उसके तो होश इसलिए उड़ रहे हैं कि भाई आप बाकी कर क्या रहे हैं दुनिया में, बाकी टीम इनके हम लानत भेजते हैं, बाबा आजम कप्तान, इनको गोडी एक ओडी गाड़ी और चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ये बस अपने पैसे के लिए और गाड़ियों के लिए खेलते हैं। ये टीम है ये, आपको किसने कहा पाकिस्तान मैच खेलने गई है? आपका दिमाग मुझे लगता है ब्लड हाई हो गया। किसने कहा इंडिया मैच पाकिस्तान मैच खेलने गया है? किसने कहा मैच खेलने गए? खाने गए हैं, वो तो सेल्फी लेने गए हैं, वो तो वीडियो बनाने गए हैं, वो देखा नहीं आपने उस्मान ने, उसने कहा शर्ट लिया अमन ने, मेरा तो दिल का बढ़ाया है, जिसने मेरे साथ सेल्फी लेनी वो पैसे, ये मुल्के के लिए नहीं खेलते। पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे हैं कि जी इंटेंट नहीं, फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप हैव बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, pace he is performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. Jaise to watch hum dekhte India aur Pakistan ka shauk se match hai, shauk se bahut sab lete hain, lekin inko tizab mein phenkna chahiye airport pe. क्या बात करें, ऐसे भी ना कहो, ऐसे भी ना कहो, बहुत गुस्सा में पाकिस्तान टीम, हम बहुत चिल कर रहे हैं, पाकिस्तान हार गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आज की पाकिस्तान की हार में रिजवान भी जिम्मेदार, वो बुमराह को छक्का मारने जा रहा था। रिजवान साहब खुदाला ना लो, आपको क्या जरूरत है बुमराह को छक्का मारने की? करोड़ बार लाने, ये गारंटी से कहता हूँ कि इन्हें अंदर से दुख है, बैन किया जाए। अच्छा ये बताइए, आजम पाकिस्तान अगर चाहे तो इनको बैन कर दे आते को, ठीक है, सारी टीम बैन, सारी टीम खत्म, पाकिस्तान की टीम कभी भी ना आए। अच्छा ये इंडिया से हार, हमें कोई आस हो ना, हमें कोई उम्मीद हो ना, हमारी इंडिया से लगे ना किसी और से लगे, ठीक हो गया, खत्म हो जाए। लेकिन जो पहली इनिंग थी जो 119 स्कोर हुआ, उस टाइम आपका यही होगा कि लो जी आज तो जबरदस्त हो गया कि नहीं? हम तो जीत के बैठ गए थे। आर यू कॉमेडी मी? तो भाई साहब पूरा वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो देखने के बाद मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ, आनंद आनंद आनंद। लेकिन इन पाकिस्तानियों ने इस मैच का फायदा उठाते हुए एक कायरतापूर्ण हरकत भी की है, इसके लिए मैं इन पाकिस्तानियों को हमेशा जलील करता हूँ, गालियां देता हूँ, इसलिए पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों से गाली खाते हैं। कल इन्होंने मैच का फायदा उठाकर कायराना हरकत की, जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी यात्रा पे गई, भरी हुई बस के ऊपर गोलियां चलाई इन्होंने। क्या बात कर रहे हैं बाबा, अबे ऐसी बुजदिलों जैसी हरकतें करोगे तुम्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों, और जो पाकिस्तानी प्रेमी हिंदुस्तान के अंदर है उनको भी बोल रहा हूँ, अगर कलेजी है गुर्दा है तो सामने से बार करो, उन नियतों पे बार करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। खैर पाकिस्तानियों तुम्हारी बुजदिली हरकतें तुम करते रहो, और हम तुमको हर फील्ड में ऐसे ही फैलते रहेंगे, चाहे क्रिकेट हो चाहे आतंकवाद हो, हर जगह तुमको मुंह की खानी पड़ेगी और तुमको
को इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि तुम दुनिया के आगे सिर्फ कटोरा लेके ही खड़े रहोगे। खैर वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को जाते जाते पहलते हो जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।